अंबाला च पंजवा हरियाणा राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता च हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार अते पुलिस महानिर्देशक बीएस संधू ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार अते डीजीपी बीएस संधू ने विजेता टीमों को सम्मानित भी किया। हाँ, इसके लिए मैंने सुझाव दिए हैं कि जिस प्रकार से आप इसमें 34% जैसे मैंने कहा था, इसमें एक्सीडेंट युवाओं की जो टू व्हीलर पर है और जिसमें मोटरसाइकिल है, जो मोटरसाइकिल का जो राइट साइड का जो मिरर लगता है, मैं 90% से भी ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि बच्चे नहीं लगाते, चाहे स्कूटर है चाहे मोटरसाइकिल, सख्ती से वो लगाए जाएं। सेकेंडली, मैंने एक ट्रक ड्राइवरों के बारे में कहा है कि जो ट्रक ड्राइवर है उसके साथ कंडक्टर चलता था, लेकिन आज ड्राइवर कल्ला चलता है, कंडक्टर साथ ना होने की वजह से भी काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। और मैंने विस्तृत जिस पर बीएनडीआर डिपार्टमेंट है, फोर्स डिपार्टमेंट है, उन सब कुछ से भी मैंने पॉइंट दिए हैं, इन पर उनको काम करने की आवश्यकता है। जो ब्लैक स्पॉट पॉइंट है, जो तकरीबन 1100 के करीब हरियाणा प्रदेश में हमने चयन कराए थे, उसमें से 200-300 पे काम हो चुका है, बाकी बहुत जल्दी उन पर काम कर लिया जाएगा और हमारे प्रदेश में जो एक्सीडेंट रेशो कम होगी। और पुलिस विभाग इसमें अग्रणी से काम कर रहा है, काफ़ी एनजीओ भी इसमें काम कर रही है और ट्रांसपोर्ट विभाग भी इसमें काम कर रहे हैं। बताया गया कि 1100 मर्डर होते हैं और 5000 एक्सीडेंट में डेथ होती है, पांच गुना ज्यादा रोड एक्सीडेंट में डेथ आज के दिन हरियाणा में हो रही है। और हमारी कोशिश है कि इसको कम किया जाए, और इसको कम कर सकती है नौजवान पीढ़ी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो एक्सीडेंट भी हो रहे हैं उसमें 85% जो डेथ है रोड एक्सीडेंट में वो मेल मेंबर की है। अंबाला तो बीएस कल्याणी की रिपोर्ट, चैनल 2।